आप लोगों को मालूम है कि पूरा संसार द्वंद्वात्मक है। द्वंद्वात्मक का मतलब है दो प्रकार का। एक ही वस्तु से, एक ही तत्व से कुछ भी बन नहीं सकता है। जब तक दो का संयोग नहीं होगा तब तक कुछ बन नहीं सकता। हमारा शरीर जड़ और चेतन का संगम है। खाली जड़ पदार्थों से शरीर नहीं बन सकता। और केवल चेतन से भी शरीर नहीं बन सकता। मिट्टी, पानी, आग, हवा ये जड़ तत्व हैं। इनमें आप शरीर को खोजना चाहें तो शरीर कहीं मिलेगा नहीं। और चेतन तो शुद्ध है, निर्मल है, निर्विकार है, उसके स्वरूप में भी शरीर नहीं मिलेगा। लेकिन जब जड़ और चेतन दोनों का संयोग होता है वासनावश, तब शरीर का निर्माण होता है। जैसे सामने पेड़ खड़ा है, प्रकाश ना हो तो छाया नहीं बन सकती। रात में जब घोर अंधकार रहता है तब पेड़ की छाया कहां होती है? बिना प्रकाश के छाया नहीं बनेगी। लेकिन खाली प्रकाश प्रकाश हो, पेड़ ना हो तो छाया कैसे बनेगी? पेड़ भी मौजूद हो और प्रकाश भी हो तब छाया बनेगी। इसी प्रकार पूरी दुनिया के लिए, हर वस्तु के लिए आप समझ सकते हैं। आदमी एक रसता चाहता है, लेकिन द्वंद्वात्मक संसार में एक रसता कैसे हो सकती है? संसार का नाम ही है परिवर्तन। संसार का अर्थ ही होता है जो चलता रहे, सरकता रहे, खिसकता रहे, संसरत इति संसार, जो संतरण करता रहे। संतरण का अर्थ है गतिमान, चलते रहना, क्रिया होते रहना, परिवर्तन होते रहना। परिवर्तन का नाम ही संसार है। एक रास्ता यहां नहीं हो सकती। आदमी एक रास्ता चाहता है, जब सुख मिलता है, सुविधा मिलती है, लाभ होता है, अधिकार मिल जाता है, पद मिल जाता है, तो आदमी यह सोचता है कि जो ये पद मिला है, अधिकार मिला है, सुख मिला है, लाभ हुआ है, ये ऐसे के ऐसे ही बने रहें। लेकिन कैसे होगी? रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होती है। केवल कहीं रात होगी? रात ही रात, रात ही रात हो तो हम और आप जीवित नहीं रह सकते। दिन ही दिन हो, रात ना हो तो जीवित रहना मुश्किल। जरा कल्पना करो, 12 महीने होते हैं, क्या 12 महीना बराबर होते हैं? एक जैसा मौसम 12 महीने में होता है? और ये 12 महीना भी क्यों होता है? पृथ्वी की गति के कारण। पृथ्वी घूम रही है,
सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, इसलिए ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। सूर्य पृथ्वी स्थिर हो जाए, अचल हो जाए, पृथ्वी में क्रिया न हो, तो ऋतुओं का निर्माण नहीं होगा। दिन और रात नहीं होंगे और ऋतुओं का निर्माण नहीं, ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होगा। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसलिए इसमें दिन होता है, रात होती है, और इसी में ही ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तीन ऋतु मुख्य है, गर्मी, वर्षा और ठंडी। एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, ये आते रहते हैं। एक रस एक ही ऋतु रहे, केवल बरसात होती रहे बारहों महीने, क्या कोई फसल तैयार होगी? केवल बरसात होती रहे, बरसात होती रहे, कोई फसल तैयार नहीं होगी। और केवल बारहों महीने गर्मी ही गर्मी पड़ती रहे तो तब भी कोई फसल तैयार नहीं होगी। और केवल ठंड होती रहे तो पूरी पृथ्वी में बर्फ जम जाएगी, कोई फसल तैयार नहीं होगी। हिमालय में बारहों महीने ठंड रहती है, वहां कोई फसल उग नहीं सकती, आदमी का जीवित रहना मुश्किल। तो ठंडी, गर्मी, बरसात, ये ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है, तब फसल तैयार होती है, तब पृथ्वी पर प्राणियों का अस्तित्व होता है। इस प्रकार से पूरा संसार द्वंद्वात्मक है, एक रस्ता यहां कभी रह नहीं सकती। हमारे जीवन में भी द्वंद्व है। मैंने कहा था जड़ और चेतन दो के संयोग से जीवन खड़ा हुआ है, भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों का संगम है हमारा जीवन। इसमें भी प्रारब्ध है और पुरुषार्थ है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो प्रारब्ध की देन है, तो कुछ ऐसे हैं जो पुरुषार्थ की देन है। पुरुषार्थ का भी महत्व है और प्रारब्ध का भी महत्व है। प्रारब्ध अदृश्य है, उसे प्रारब्ध को जो आप भाग्य कह सकते हैं, तकदीर कह सकते हैं, इसी को विधि का लेख कह सकते हैं। कई लोग कहते हैं ना भाई, विधाता ने जो लिख दिया वो घटना बढ़ना नहीं है। इसी को कहते हैं भाई कि भाग्य का लिखा बदलेगा कैसे, तो विधि की रेख कहें, भाग्य कहें, तकदीर कहें, किस्मत कहें, कर्म गति कहें, चाहे प्रारब्ध कहें, ये सब एक ही बात है। वो अदृश्य है, उसे हम जान नहीं सकते, कब किस पल कौन सी घटना घटेगी, सर्वथा अदृश्य। हम सोचते कुछ और हैं, हो जाता है कुछ और। कौन आदमी प्रतिकूलता चाहता है, कौन आदमी बुढ़ापा चाहता है, कौन आदमी रोग चाहता है, कौन आदमी विपत्ति चाहता है, लेकिन प्रतिकूलता आती है, बुढ़ापा आता है, रोग आता है, विपत्ति आती है। जो आज मित्र हैं वे कल शत्रु बन सकते हैं, जो शत्रु हैं वे मित्र बन सकते हैं, ये सब होता रहता है। और इन्हीं सब के बीच में हमें अपना व्यवहार और परमार्थ दोनों का काम करना है। भाग्य दृश्य है, उसका महत्व है,
लेकिन हम पुरुषार्थ न करें तो भाग्य भी कुछ नहीं होगा। इसलिए भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, पुरुषार्थ करना है। करु बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। सदगुरु कबीर कहते हैं दूसरे की आशा छोड़ दो, अपने बाहुबल का भरोसा करो, अपने पुरुषार्थ का भरोसा करो। जिसके आंगन में नदी बहती हो वह आदमी प्यासा क्यों मरे? रेगिस्तान में हो आदमी मरुस्थल में, वहां प्यासा मरता हो, बियाबा में हो वहां प्यासा मरता हो, तो बात समझ में आ सकती है। आंगन में ही नदी बह रही है, नदी किनारे ही घर बना हुआ है और आदमी प्यासा है, क्यों? क्योंकि आदमी स्वयं नदी में जाकर पानी नहीं पीना चाहता। नदी तो बह रही है, पानी तो बह रहा है, ऐसा थोड़े होगा कि हमें प्यास लगी हो और हम कह लें कि भाई मुझे प्यास लगी है, पानी जरा मुंह में आ जा तो नदी धारा बदल करके हमारे मुंह में गिरने लगेगी, ऐसा थोड़ा हो जाएगा। धारा तो बह रही है, स्वच्छ पानी बह रहा है, हमें जाना पड़ेगा, पात्र में पानी भरना पड़ेगा या अंजलि में पानी भरना पड़ेगा और मुंह से लगाना पड़ेगा, घुट करना पड़ेगा। किसी ने हमारे लिए भोजन बना दिया, हमने कुछ नहीं किया, हम बैठे हैं चुपचाप, किसी ने हमारे लिए भोजन बना दिया और भोजन थाली में परोसकर हमारे सामने लाकर रख दिया, और इतना ही नहीं दाल भात सब्जी को सान करके हमारे मुख में डाल दिया, लेकिन घुट कौन करेगा? वो करेगा कि मुझे करना पड़ेगा? घुट तो मुझे करना पड़ेगा ना, गड़क नहीं तो मुझे उतारना पड़ेगा ना, तो अंत पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। भाग्य साथ में है, लेकिन भाग्य भी फलित तब होगा जब हम पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए भाग्य में जो है सो है, उसके लिए सोचना नहीं है, वर्तमान में पुरुषार्थ करना है। अवसर आता है उसको पहचानना है और पहचान कर उपयोग कर लेना है, बस आगे बढ़ जाएंगे। और तो कुछ ना करना चाहे अवसर के अनुसार तो क्या करेगा? एक उदाहरण याद आता है, एक आदमी था, आलसी प्रकृति का था, चाहता तो बहुत कुछ था, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसा मकान बन जाए वैसा मकान बन जाए, ऐसा सुख मिले ऐसी सुविधा मिले, चाहता बहुत था। ये होता है आलसी आदमी, बढ़िया बढ़िया चाहता है। जो भी आलसी होगा वो भोजन भी चाहेगा बढ़िया भोजन चाहेगा, कपड़ा चाहेगा बढ़िया कपड़ा कीमती कपड़ा चाहेगा, हर सुविधा अच्छा चाहेगा आलसी आदमी। और जो पुरुषार्थी होता है वह जब जो मिल जाता है उसमें गुजर कर लेता है, संतोष कर लेता है। अब पुरुषार्थी आदमी को जीवन निर्वाह की या किसी चीज की कमी नहीं होती। पुरुषार्थी आदमी, मेहनती आदमी के मन में बड़ी हवस नहीं होती है, समय योग्यता के अनुसार वह मेहनत करता जाता है, वस्तुएं मिलती जाती, उसमें तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है। और आलसी आदमी को चाहे जो दे दो उसमें वो कमी निकाल लेगा, संतुष्ट नहीं होगा। तो आलसी आदमी था, चाहता बहुत कुछ था, लेकिन खाली चाहने से कैसे मिलेगा? बस किसी प्रकार जीवन चला रहा था। तो किसी सज्जन ने कहा, अरे तुम बड़े आलसी हो, पड़े रहते हो, कुछ मेहनत करो करो, भाग्य को जगाओ, अपने इधर जाओ, कहीं देखो अपने भाग्य को खोजो और जगाओ, ऐसे पड़े रहोगे तुम्हारा भाग्य तो सोया ही रहेगा। पुरुषार्थी आदमी का भाग्य जागता है, इसलिए अपने भाग्य को खोजो और जगाओ, पड़े मत रहो नहीं तो भाग्य सो जाएगा। तो थोड़ी सी कहने से मन में हुआ, चलो भाई भाग्य को खोजता हूं, कहां भाग्य पड़ा हुआ है,
उसे जगाऊंगा, वो सोया हुआ है उसे जगाऊंगा तब सब हो जाएगा। निकला अपने भाग्य की खोज में, चलता रहा चलता रहा, रास्ते में एक शेर मिल गया। शेर ने उस आदमी से कहा, भाई तुम कहां जा रहे हो? उस आलसी आदमी ने कहा, मैं अपने भाग्य को खोजने जा रहा हूं, वो मेरा भाग्य सोया हुआ है, मैं बहुत तकलीफ में जी रहा हूं, पता नहीं कहां मेरा भाग्य सोया है, उसे जाकर जगाऊंगा, भाग्य को खोजने जा रहा हूं। तो शेर ने कहा, अच्छा एक काम करना, तुम्हारा भाग्य जब तुम्हें मिल जाएगा ना, तो उसे ये पूछना, मेरे सिर में भयंकर दर्द रहता है 24 घंटे, वो मेरे सिर का दर्द दूर कैसे होगा? उसने कहा, ठीक है पूछ लूंगा, इसमें कौन बड़ी बात है। आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा, तब एक चलते चलते शाम हो गई, तो एक राजा एक राज्य में पहुंचा, एक राजा के यहां रुका। राजा ने स्वागत, राजा भी था जवान, बड़ा सुंदर देखने में, 22-25 साल की उम्र राजा के, उसने स्वागत किया, दिखाया, पूछा, भी तुम कहां जा रहे हो? कहा कि भाग्य को खोजने जा रहा हूं, कहीं सोया हुआ है। तो राजा ने कहा, ठीक है तुम भाग्य को खोजने जा रहे हो, तुम्हारा भाग्य मिले तो ये पूछना, मैं राजा हूं, जवान भी हूं, 22-25 साल की उम्र है मेरी, सब सुविधा मिली है, सारा कुछ में है, फिर भी मैं दुखी रहता हूं, मेरे में चिंता रहती है, आनंद और प्रसन्नता का अनुभव मैं नहीं कर सकता है। उनसे राजा से पूछना कि मेरी चिंता दूर कैसे हो और मुझे आनंद कैसे मिले। कहा, ठीक है पूछ लूंगा। चल सुबह हुई, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो देखता है, कुछ दूर जब आगे चला तो देखता है क्या है, एक गांव के बाहर एक बूढ़ा एक बूढ़ी और उसकी सुंदरी जवान युवती लड़की ये खेत में एक पेड़ के नीचे बैठे थे, बहुत दुखी एकदम चिंतित, बूढ़े बूढ़ी एकदम जर्जर और लड़की एकदम सुंदरी और युवती। उस बूढ़े बूढ़ी ने उस आदमी से कहा, तुम कहां जा रहे हो? कहा कि अपने भाग्य को खोजने जा रहा हूं। तो उन दोनों बूढ़े बूढ़े ने कहा, देखो हम दोनों एकदम बूढ़े बूढ़ी हो गए हैं, हमारे पास धन नहीं है, हमारी ये जवान लड़की है, सुंदरी है, सब कुछ योग्य है, लेकिन धन की कमी के कारण हमारी लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, अपने भाग्य से पूछना कि हमारी गरीबी दूर कैसे होगी और हमारी लड़की की शादी कैसे होगी, कब होगी? उसने कहा, ठीक है पूछ लूंगा। आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते एक गांव में पहुंचा, तो गांव के लोग आपस में खूब लड़ रहे थे, एक दूसरे को लाठी डंडा लेकर के लड़ाई कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। ये वहां पहुंच गया तो उन लोगों ने जब देखा इसको तो लड़ना बंद कर दिया। पूछा, तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? कहा कि मैं अपने भाग्य को खोजने जा रहा हूं, कहीं सोया पड़ा उसे जाकर जगाऊंगा ताकि मैं आराम से रहूं। तो गांव वालों ने कहा, ठीक है तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो ये पूछना कि हम लोग गांव वाले लोग आपस में रोज लड़ते झगड़ते, कोई किसी का कहना नहीं मानते, लड़ते लड़ते बहुत समय चला जाता है, हमारी ये लड़ाई बंद कैसे हो और परस्पर में एकता संगठन कैसे हो, हम लोग सुख से कैसे रहें? कहा, ठीक है पूछ लूंगा। गया आदमी, चलता रहा 2-4 दिन तक घूमा, तो जंगल में पहुंचा तो देखा कि एक पेड़ के नीचे उस आदमी का भाग्य सो रहा था। कहानी है तो आदमी देखा, अरे भाग्य तो यहां सो रहा है, जाकर झकझोरा, तुम यहां सोए हुए हो, मैं तुम्हें बहुत खोज रहा हूं और तुम जागते नहीं हो, मैं इतनी तकलीफ में हूं, उठो जागो। तो भाग्य जागा और कहा, उस भाग्य ने कहा, तुम इतनी मेहनत किए मुझे खोजने के लिए तो मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मैं अब मैं जाग गया हूं, लेकिन अच्छा तुम वापस लौट जाओ, मैं तुम्हें 3 जगह मिलूंगा और तीनों जगह में मुझे पकड़ लिए, जागने करते मैं जाग तो गया हूं लेकिन मैं तुम्हें 3 अवसर दूंगा,
और तुम तीन जगह मुझे पकड़ लिए तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, तुम सदैव के लिए आनंदित हो जाओगे। अब लौट जाए यहां से। ऐसा कहा तो आदमी लौट गया और कहा, सोचा कि भाग्य ने कहा है कि तीन जगह मिलूंगा और तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, तुम्हारा एकदम तुम आनंद से हो जाओगे। लौटा लौटा तो उसी गांव में पहुंचा जहां के लोग आपस में लड़ रहे झगड़ रहे थे, उस समय भी लड़ रहे झगड़ रहे थे। पूछा कहो भाई तुम्हारा भाग्य मिला? कहे हाँ मिला। तो हम लोगों की लड़ाई कैसे बंद हो, भाग्य ने कुछ बताया? तो उस आदमी ने कहा हाँ बताया। तो ये क्या बताया? क्या उस आदमी का, ऐसा करो तुम लोग आपस में किसी एक व्यक्ति को मुखिया चुन लो और वो मुखिया जैसा कहे उसके निर्देश के अनुसार से हर काम करो तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। तुम लोग गांव भर के लोग सुखी हो जाओगे, आनंदित तो हो जाओगे। तुम लोग किसी की बात नहीं मानते, किसी कहना नहीं मानते, दुखी, केवल एक मुखिया चुनो उसके अनुसार चलो। तो गांव वालों ने कहा अब हम लोग तो रोज रोज परिचित हैं दूसरे से, किसको मुखिया चुने? आप ही हमारा मुखिया बन जाए, हम आपके लिए सारी व्यवस्था करेंगे और आप हमें आज्ञा देते रहो और हम काम करते रहेंगे, आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, हम आपकी बात मानेंगे। उन्होंने कहा चल चल मेरा भाग्य मुझे कहा तीन जगह मिले, देखो भाग्य मिल रहा है ना, अब प्रसाद नहीं करना था, कहता कहा चल चल हट, मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अरे मेरे भाग्य ने कहा है तीन जगह मिलने को, तुम्हारे चक्कर में क्यों पड़ूंगा मैं? लौट गया वापस, आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा तब वो बूढ़ा बूढ़ी मिले, तो उन्होंने कहा क्यों तुम्हारे भाग्य मिला? के हाँ मिला। तो हमारे लिए उन्होंने क्या बताया? तो उसने कहा देखो जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हुए हो, इस पेड़ के नीचे सोने से भरे हुए सात घड़े गाड़े गए हैं और उसी के कारण तुम्हारी खेत में फसल नहीं होती है। उन घड़ों को खोद लो और सोने जमीन खोदो, सोने घड़े निकालो, तुम माला माल हो जाओगे और तुम्हारी लड़की की शादी भी हो जाएगी। तुम बूढ़े बूढ़े कहा बेटा हम तो बूढ़े हो गए हैं, तुम ही जरा मेहनत कर दो, घड़े को खोद लो, घड़े तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारा हम अपनी लड़की के साथ हम तुम्हारी शादी भी कर देंगे। कहा चल चल मेरा भाग मुझे तीन जगह मिलने को कहा है, अभी क्यों करूंगा मैं? वहां भी आगे बढ़ गया, वो राजा मिला। उसने कहा क्यों भाई तुम्हारा भाग्य मिला? कि हाँ मिला। तो उन्होंने कहा राजा ने कहा बताओ तो मेरी चिंता दूर कैसे होगी, मैं सुखी कैसे रहूंगा, राज होकर भी मैं सुखी नहीं हूं। तब उसने कहा देखो तुम झूठ बोलते हो, तुम लड़का नहीं तुम लड़की हो, राजकुमारी हो, राजकुमार के वेश में रहते हो, तुम्हें चिंता है कि जिस दिन मेरे मंत्री और सेनापति जान लेंगे मुझे गद्दी से हटा देंगे उस दिन क्या होगा, इसलिए तुम लड़के के वेश में राजा होते हुए भी सुखी नहीं हो क्योंकि तुम लड़की हो। ऐसा करो किसी राजकुमार से शादी कर लो, उसे राजा बना दो, तुम आराम से मौज की जिंदगी जियो। तो उस राजा जो राजकुमारी थे जो राजा के तो उन्हें कहा कहां रहा मैं राजकुमार खोजने जाओ, तुम ही मुझसे शादी कर लो, तुम ही राजा बन जाओ और मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, हर प्रकार से सेवा करूंगी और ये पूरा राज तुम्हारा है। उसने कहा चल चल मेरे भाग्य ने कहा तीन जगह मिलने के लिए, इस चक्कर में मैं क्यों पड़ूंगा, अब तीन जगह भाग्य तो मिला लेकिन वो मेहनत नहीं करना चाहता तो क्या करेगा। आगे बढ़ा, शेर मिला। उसने कहा क्यों भाई तुम्हारा भाग्य मिला? कहा मिला। तो उन्होंने कहा मेरे भाग्य ने क्या बताया, ये जो मेरा सिर दर्द हमेशा बना रहता ये दूर कैसे होगा? तो उस आदमी ने कहा भाग्य ने बताया है कि यदि वो शेर किसी मूर्ख आदमी का कलेजा खा ले, मूर्ख आदमी उसका कलेजा खा ले तो उसका सिर दर्द दूर हो सकता है। क्या अच्छा? तो शेर ने पूछा ये बताओ तुम यहां से जब गए हो अपने भाग्य तक तो बीच बीच में कौन कौन सी घटना घटी है, कौन कौन तुम्हें मिले, किसने किसने तुम्हें क्या क्या कहा, आते समय जाते समय कुछ बताओगे? तो उसने सारी बातें बताई, एक राजा मिला, एक बूढ़े बूढ़ी मिली, एक गांव वाली मिली, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा और तीनों जगह मैंने कहा तो और तीनों ने मुझे एक गांव में मुखिया बनने को कहा, बूढ़े बूढ़ी ने कहा तो एक खजाने खोज कर खोद लो तुम्हारा हो जाएगा, लड़की शादी कर देंगे, वो मैंने छोड़ दिया। राजकुमारी ने कहा तुम ही मेरे पति बन जाओ, राजा वो भी छोड़ दिया। इस प्रकार से कहा तो शेर ने कहा
तुम्हारे जैसा मूर्ख और कहां मिलेगा, शेर मारा और झपट कर उसका कलेजा खा गया। एक कहानी है, भाग्य तो मिला उस आदमी को तीन जगह, एक जगह सरपंच बनने की बात, मुखिया बनने की बात आई, एक जगह सोने के घड़े मिल रहे थे, सुंदरी पत्नी मिल रही थी, एक जगह राज्य ही मिल रहा था, लेकिन वो कुछ मेहनत ही नहीं करना चाहे तो क्या करेगा। इसी प्रकार हम लोगों को बड़े भाग्य जब उदित हुआ तब ये मनुष्य का जीवन मिला, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। गोस्वामी जी ने मानत में कहा, आप सबको याद होगी ये चौपाई ये पंक्ति, देवताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य का शरीर, अब वो हमें आज मिला है। और कैसे मिला है? बड़े भाग्य से। उस बड़े भाग्य से मिले हुए शरीर में हम भाग्य को और जगा रहे हैं या भाग्य को डुबा रहे हैं, हम लोगों को सोचना होगा। भाग्य को जगाने का अर्थ क्या है? भाग्य को जगाने का अर्थ इतना ही है कि जीवन ज्यों ज्यों बीतता जाए, उम्र ज्यों ज्यों बढ़ती जाए, बुद्धि का विकास होता जाए, त्यों त्यों जीवन में मन में प्रसन्नता बढ़ती जाए, आनंद बढ़ती जाए बढ़ता जाए, आत्मस्वस्थता बढ़ती चली जाए, चिंता घटती जाए, भय घटता जाए, अशांति घटती जाए, पीड़ा घटती जाए, तब समझना चाहिए कि हम अपने भाग्य को जगा रहे हैं। और यदि उम्र बढ़ने के साथ साथ, बुद्धि बढ़ने के साथ साथ प्रसन्नता घटती गई, आनंद घटता गया, उल्टे चिंता बढ़ती गई, भय बढ़ता गया, मानसिक अशांति बढ़ती गई, तो हम लोग अपने भाग्य को डुबा रहे हैं। और क्या करेगा दूसरा? संत भी क्या करेंगे, गुरु भी क्या करेंगे? संत और गुरु तो केवल रास्ता बताते हैं, वे हमारी तकदीर को पूरा पूरा बदल दे, हमारे बिना कुछ किए हमें मुक्ति गति दे दें, हमें शांति दे दें, ये संभव ही नहीं है। संतों और गुरुजनों का काम है मुक्ति और शांति का रास्ता बताना कि इस रास्ते से चलो, और उस रास्ते पर चलकर वे बता भी रहे हैं संत गुरुजन, केवल जबान से कहते नहीं हैं, रास्ता भी बता रहे हैं कि इस रहनी में रहो, इस आचरण से चलो, ऐसे कर्म करो, केवल जबान से बताते, आदर्श न मिलता तो बात तो दूसरी थी। हमें कहीं जाना हो और जहां जाना है हमें वहां का रास्ता मालूम नहीं है, वहां का पता मालूम नहीं, बस नाम सुने हैं, और वहां जाना है जरूरी, हम तैयार हुए, चले रास्ते में। अब रास्ता तो सब तरफ है, किधर चले? एक व्यक्ति मिल गया, उससे हमने पूछा, क्यों भाई मुझे अमुक जगह जाना है, वह जगह कितनी दूर है और किस रास्ते से मैं चलूं ताकि वहां जल्दी पहुंच जाऊं? उस व्यक्ति ने कहा, देखो जहां तुम जा रहे हो यहां से 25 किलोमीटर दूर है, और इस रास्ते से जाना आगे जाकर के, और दो तरफ सड़क गई हुई है तो दाएं तरफ मुड़ जाना और सीधे चले जाना, बस वो जगह मिल जाएगी। उस आदमी ने रास्ता बता दिया, हम रास्ता बताया, दूरी भी बताया,
अब हमारे मन में थोड़ी हिम्मत आई, लेकिन अभी भी थोड़ा संदेह है। उन्होंने बताया तो है कि है, लेकिन सच सच बताया है या नहीं बताया है, यह रास्ता मुझे वहां पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, थोड़ा संदेह है मन में, लेकिन और कोई उपाय नहीं है चलने की सिवा। आगे बढ़े, 2 किलोमीटर जब आगे गए तो एक और व्यक्ति मिल गया। उससे भी हमने पूछा, भाई मुझे अमुक जगह जाना है, किस रास्ते से जाऊं मैं, कैसे चलूं? उस व्यक्ति ने कहा, अमुक जगह जाना क्या? हाँ। उसने कहा, अच्छा मैं भी वहीं जा रहा हूं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। अब तो पूरा विश्वास हो गया है ना, अब करना कुछ नहीं है, पूछना नहीं है। वो व्यक्ति कहे, मैं भी वहीं जा रहा हूं, बस मेरे पीछे पीछे जाना है। अब करना क्या है हमको? उसके पीछे पीछे ही चलना है। बैठ जाइए। रास्ता भी बताया और कह रहा है कि मेरे पीछे पीछे आओ, तो कितना विश्वास, कितना वो योग्य। ऐसे ही जो हमारी मंजिल है, शांति की मंजिल, आनंद की मंजिल, शाश्वत सुख की मंजिल, कह सकते हैं मोक्ष की मंजिल, आत्मा की मंजिल, परमात्मा की मंजिल, जहां पहुंचने की लालसा हर आदमी के मन में है, जाने अनजाने, सच्चे संत, सच्चे गुरु, बस उनके पीछे पीछे चलने जाओ, चलते जाएं, मुड़ना नहीं है। पूछ, अब वे रास्ता भी बता रहे हैं और साथ साथ आगे आगे चल भी रहे हैं, कहते भी मेरे पीछे पीछे आओ, जैसा मैं कर रहा हूं वैसे करते चलो, बस वहां पहुंच जाओगे। लेकिन वे रास्ता बता दें और हम चले ना उनके पीछे तो कैसे होगा? दूसरा अनुभव नहीं कर सकता, दूसरा हमारे बंधन को काट नहीं सकता, कोई नहीं काट सकता, किसी के बंधन को कोई काटा ही नहीं है, स्वयं ही मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान बंधन काट देगा, परमात्मा बंधन काट देगा, कि देवी देवता काट देंगे, एक विश्वास है। भगवान ने क्या हमें बंधन में डाला है? भगवान ने कहा है कि जा तुम बीड़ी पियो, भगवान ने कहा है कि तुम शराब पियो, किसी देवता ने कहा है कि तुम चोरी करो, जुआ खेलो, किसी को गाली दो, दुष्कर्म करो, गलती हम करें, कर्मों को हम बिगाड़ें, बंधन हम बनाएं, और मुक्ति का काम भगवान करें, या नहीं तो महात्मा लोग करें। गुरु ने कहा है कि बेटा ठीक है तुम मेरे पास आ गए हो, तो अब जाओ तुम बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गाली बकना, चोरी करना, झूठ बोलना, गुरु ने कहा है? गुरु ने तो नहीं कहा, वे तो इन सब हमें रोक ही रहे हैं, और उनकी शिक्षा ना मान करके ये सब हम काम करते जा रहे हैं। बंधन बनाने का काम हम करें और हमारे लिए मुक्ति का काम गुरु जी करें, ये कैसे हो सकता है? इसलिए स्वयं जागना होगा। जब तक स्वयं नहीं जागेंगे तब तक किसी की भी कृपा काम नहीं आएगी। अपनी आंख स्वयं खोलनी पड़ेगी। सूरज उगा हो, प्रकाश फैला हो, उस सूरज के प्रकाश में हमें काम करना है, लेकिन अपने कमरे का दरवाजा खिड़की बंद करके, आंख बंद करके हम कमरे में बैठे हो, कहते हैं कहां है सूरज, कहां है प्रकाश, तो सूरज क्या करेगा? आंख खोलनी पड़ेगी।
और कमरे के जंगले और दरवाजे को खोलना पड़ेगा, अपने आप सूरज का प्रकाश कमरे तक पहुंचेगा। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि दरवाजा कमरा दरवाजे के कमरे कमरे के जंगले सबको हम बंद करें और साथ साथ आंख भी बंद रखें और सूरज का प्रकाश भीतर तक पहुंच जाए। कोई उपाय नहीं, केवल एक ही उपाय है। और इतना ही नहीं, कितनी पूजा करें, कितना पाठ करें, कितना कीर्तन करें, कितना नाम जपें, जब तक आंख नहीं खोलेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे, सूरज का प्रकाश दूर नहीं, सूरज का प्रकाश अंदर प्रवेश नहीं करेगा और अंधकार दूर नहीं होगा। अंधकार दूर करने के लिए तो दिया जलाना पड़ेगा, अपनी आंख खोलनी पड़ेगी, दरवाजा खोलना पड़ेगा। हर क्षेत्र में पुरुषार्थ ही उन्नति का रास्ता है। आपके आपकी कोठी में या कमरे में धान की बीज पड़े हैं, आपका खेत है, बढ़िया उपजाऊ खेत है, बढ़िया उपजाऊ बीज है, आपके पास खाद भी है, पानी भी है, लेकिन जमीन को जोते ना, जमीन में खाद पानी देना और बीज को खेत में डाले ना, केवल प्रार्थना करें, कीर्तन करें, गंगा स्नान करें और सोचें कि हमने इतना तो कर लिया, अब हमारे खेत में ऐसी फसल होगी कि एक एकड़ में 50 बोरा धान काटेंगे, है संभव? कभी संभव नहीं है। प्रार्थना करो, पूजा करो, नाम जपो, कीर्तन करो, पाठ करो, वो आपकी मर्जी, उसके लिए हमारी मनाही नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप सब छोड़ दीजिए। इससे इन सब के करने से मन में सात्विक भावना आती है, मन की चंचलता दूर होकर मन में एकाग्रता आती है, थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति जगती है, मन के कुछ खुराफात, मन के विकार दूर होते हैं। लेकिन ये बहुत दूर तक नहीं है, ये सब उसी प्रकार है जैसे छोटे बच्चों के लिए खिलौने, बच्चों को खिलौना दे दो खुश, लेकिन खिलौना से तृप्ति थोड़े होगी। छोटा बच्चा होता है, कई बार रोता है, माँ चाहती है कि दूध ना पिलाऊं, बच्चे के मुंह में दे देती है चटुआ, बच्चा मुंह को चटुआ को मुंह में लेता है, चुस्ता कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन कितना भी चटुआ चाटे बच्चा पेट कभी नहीं भरेगा, माँ का दूध पीना, असली दूध पीना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से जितने भी प्रकार के कर्मकांड हो, चाहे किसी मत पंथ के हो, उसका अपना एक महत्व है, लेकिन कर्मकांड मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। कर्म करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब बाहरी क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में तो आदमी पुरुषार्थ कर ही लेता है, अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में आदमी पुरुषार्थ से घबराता है। क्यों घबराता है? क्योंकि मन न मारना पड़े, मन को न रोकना पड़े। शायद ही कोई आदमी ये कहता हो, महाराज हमारे करने से क्या होगा, अरे हम चाहे कितना भी खेत जोतें, कितना भी खेत को सिंचाई करें, निंदाई करें, कितना बीज डालें, कितना खाद डालें, हमारे करने से क्या होगा, वो तो जब ऊपर वाला चाहेगा तभी खेत में फसल होगी, इसलिए महाराज खाद नहीं डालना, बीज नहीं डालना, हम चाहे जो कुछ करें, कुछ होना ही नहीं है, वो तो भगवान जब कृपा करेगा तभी होगा, ऐसा कोई नहीं कहता है। भगवान के भरोसे बैठता नहीं है आदमी, लेकिन साधना के क्षेत्र में, जीवन आचरण क्षेत्र में कहते महाराज हमारे करने से क्या होगा, हम तो मामूली जीव है, तुच्छ है, वो तो जब भगवान की कृपा होगी तभी कुछ बेड़ा पार हो सकता है। भगवान बहुत क्रूर है, एकदम निष्ठुर है, वो कृपा नहीं कर रहा है, इसलिए आप बंधन में पड़े हुए हैं।
इस भूल भुलैया से अपने आप को दूर करना होगा, हटाना होगा, वास्तविकता को समझना होगा और स्वयं पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा था कि हमारा जो जीवन है द्वंद्वात्मक जीवन है, प्रारब्ध भी अपनी जगह पर है, पुरुषार्थ भी अपनी जगह पर है, लेकिन प्रारब्ध अदृश्य है, उसे हम देख नहीं सकते, पहले से जान नहीं सकते। जब वो सामने उदित तो होगा, फल भोग जब सामने आएगा, तभी उसे हम समझ सकते हैं। पुरुषार्थ हमारे अपने हाथ में है, आज है, इसलिए हम कर्म करते चलें। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, उसका अर्थ यह है, मेरे दाएं हाथ में पुरुषार्थ है और बाएं हाथ में फल है। मतलब एक हाथ से पुरुषार्थ करते चले, दूसरे हाथ में फल आता चला जाएगा। हां, इतना जरूर रखें कि कामनाएं न बढ़ाएं, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, लेकिन कामनाओं को इतना न बढ़ा लें कि मन उसी कामना के पीछे दौड़ता रहे। आदमी पुरुषार्थ थोड़ा करता है, इच्छा बहुत पाल लेता है, ये होगा, वो होगा, वो होगा। अब जब जैसा मन चाहता रहता है वैसा फल नहीं मिलता, तो सिर पकड़ करके बैठ जाता है, रोने लगता है, दुखी होता है। इसीलिए गीता में कहा गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। ऐसा नहीं है कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसका फल नहीं आएगा, फल तो आएगा, लेकिन पहले से फल की एक रूपरेखा हमने बना ली है और उस सांचे में ढालना चाहते हैं, वैसा नहीं मिलता तो दुखी होते हैं। जो जब जो मिले उसको स्वीकार करें, कर्म करें और जब जो मिले उसको स्वीकार करें, निष्काम होकर के सेवा करें, निष्काम होकर के कर्म करें, और तब देखेंगे जीवन में आनंद की धाराएं बहती रहेगी। चाहनाएं बहुत बढ़ा लेते हैं, बस इसलिए दुख शुरू हो जाता है। चाहनाएं न बढ़ाएं, कर्म करें।